हो गया भाई, रॉन्ग लिंक भेज दिया गया यार मेरे को, क्या दिखा रहे हो क्या मेरे पे? अरे उसके सर पे आग लग गई, ओ शिट! भाई जो अभी आपने क्लिप देखी हो, मैंने नया वीडियो डाला अपने सेकंड चैनल के ऊपर, मेरी रिक्वेस्ट है यार कि प्लीज एक बार जाके ये वीडियो देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड चैनल का नाम है प्रिंस ऑफ एक। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, रिक्वेस्ट है भाई, ठीक है? प्लीज अभी मुझे तुम्हारे सपोर्ट की बहुत जरूरत है। व्हाट्सअप व्हाट्सअप भाई बहन बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो तुम लोग? चीखा हूँ। ओके, तो आज हम जो गाना सुनने वाले हैं उसका नाम है अनजान, जो कि आया जानी के चैनल के ऊपर। दो दिन में 9 अगस्त को गाना आया था, 1,25,000 व्यूज हो चुके हैं, क्या बात है। जानी, नबील अकबर एंड थला यूनुस तीनों इस गाने में। एक चीज भाई मैं नोटिस कर रहा हूँ, इससे पहले हमने जिस गाने का रिएक्शन करा था उसका नाम था आना नहीं, वो आया था उमैर के चैनल के ऊपर। अब जो गाना, और उसमें भी थला यूनुस थे, इस बार जो आया वो जानी के चैनल के ऊपर आया। थला यूनुस की ये बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इवन दो भाई देखो तलहा यूनुस तलहा अंजुम इन्होंने अपना बहुत नाम कमा लिया है, लाइक अब तो इनका नाम अलग ही चमकता है, ठीक है, बट फिर भी वो अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के साथ कोलैब कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस ये जो टैलेंटेड अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हैं इनको भी ये इनका काम जो है इनके जो वो वाइडर ऑडियंस तक पहुंच पा रही है, जो बहुत रेयर होता है। जब आर्टिस्ट बड़े हो जाते हैं तो वो कोलैब करने के पहले 100 बार सोचते हैं, है ना, कि शुड आई गो शुड आई नॉट, है ना, ये वो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पे ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है, और मुझे, मैं चीज़ से बहुत इंप्रेस हूँ। रिस्पेक्ट टू थला यूनुस फॉर डूइंग दिस। तो चलो साथ में गाना सुनते हैं, लेकिन यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके 1.5 लाख तक पहुँचवा दो यार। हाँ, मेरी है विश है यार ये, 16 सितंबर को मेरा जन्मदिन है, उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि मेरे चैनल के 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, और मैं ये चश्मा उतार के दे दूंगा, एक एक के घर पर जाके दिखा के आऊँगा कि मेरी आँखें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आईडी का नाम है @ofakeyouknow। तो बेटा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। हाँ, सो 3, 2, 1 एवी गो। भाई हमने लिरिक्स ही खोल लिया क्योंकि वीडियो तो है नहीं, ऑडियो है, राइट? हमने लिरिक्स ही खोल लिया, लिरिक्स साथ में देखते क्या चल रहा है। थोड़ा सा जूम भी कर देते हैं लिरिक्स को। यो यो, आई एम सॉरी यार, मैंने बहुत बकवास कर दी यार, आई एम सॉरी मैन, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। शुरू सुनते हैं। ओके ओके ओके, आप सुन रहे हैं, ये जो आपको एक थोड़ी करकरी सी आवाज़ आ रही है ना, बेसिकली क्रैकलिंग्स, नीडल का जो क्रैक वाला साउंड इफेक्ट होता है, जब आप रिकॉर्ड विनाइल वाले रिकॉर्ड के ऊपर नीडल डालते हो ना, तो वो क्रैकलिंग साउंड इफेक्ट आता है। ये साउंड इफेक्ट बेसिकली गानों में इसलिए डालते हैं ताकि थोड़ा विंटेज टाइप की वाइब आए, थोड़ी ओल्ड स्कूल वाइब आए, तो वो यहाँ पे दिया। आपको बहुत सारे लोफाई गानों में ये चीज़ ये सुनने को मिलेगा ज़्यादातर। ओके, ऐसा स्टार्ट है गाना। देख रहे हो, वो पूरी फील भी ऐसी बनाई है जैसे गाना टेप के ऊपर बज रहा है, थोड़ी विंटेज वाइब आ रही है, वैसी वाली आवाज आ रही है यहाँ पे। ओके, बहुत प्यारी मेलेडी, बहुत प्यारी मेलेडी, बहुत अच्छी मेलेडी है, ठीक है भाई, मुझे प्लीज मुनाफिकों का मतलब समझा दो यार। अभी तक तो उर्दू सही हो जानी चाहिए थी, इतने गाने सुन लिया तब भी नहीं हो रही, सॉरी प्लीज बता देना, ठीक है। मेलेडी बहुत प्यारी है यार। राजी तू, मैं मुश्किलों का आदी हूँ, कह दूँ मैं तुझको काफी कुछ, ये दिल बयाबान है, बयाबान है, दिल बयाबान है। ओके, मैं मीर का दर्द हूँ, मैं इकबाल का ख्वाब हूँ, उम्मीद की किरण एक, बस थोड़ा सा हासिल जवाब हूँ। कैसे घोटते गला इस कला का, जमाना जला था, बता तू करा क्या, क्या करूँ सला का, लिखता जब बला का, फिर भी नहीं बन सकता मर के मैं तलासा। शाउट आउट भी दे दिया, क्या बात है, क्या बात भाई, थोड़ा सुनते हैं यार, बहुत प्यारा था यार। क्या क्या करूँ जवाब हूँ, कैसे घोटते गला इस कला का, जमाना जला था, बता तू करा क्या, क्या करूँ सला का, लिखता जब बला का, फिर भी नहीं बन सकता मर के मैं तलासा। जिंदगी सफर ये क्या ना आसान था, क्या लड़ता तुझसे मैं खुद से बेजार था, वो जश्न मनाते फिर मेरी हार का, भले मत पड़ियो इस कब्र पे फातिया। वो अपने अनजाने ना होते तो लिखे ये गाने ना होते, और तुम भी दीवाने ना होते, अगर हम मशहूर जमाने ना होते, कला ही क्या जिससे। प्यारी लाइन भाई, मतलब वर्स जब से शुरू हुआ है ना, लाइक इतना इतना इंगेज करा है, ऐसा लग रहा है दिल की बात है, कोई बंदा खाली बस सबके सामने रख दिया है खोल के, बाकी जज करते रहो बैठ के, बहुत ही बढ़िया। वो अपने अनजान ना होते लिखे ये गाने ना होते, नाइस।
वो सफर ही क्या जो भटके ना मुसाफिर, क्या बात है भाई, क्या बात है। अगर आप सफर में चल रहे हो लेकिन आपने बीच में गलतियां नहीं करी तो आप उससे भटके नहीं, तो आप सीखोगे कैसे? अगर सीखने के लिए भटकना बहुत जरूरी है कभी कभी। डर नहीं है खतरों से, सर खोले पत्थरों से, खून लगे कपड़ों पे, दया बड़ी कपड़ों पे, दिल बड़े सपनों से लड़ पड़े अपनों से, आंखों देखा हाल मेरा, कलम बड़े सखम ने। वाह वाह वाह, एक सेकंड, क्या जिससे होना मुतासर, वो उल्फत ही कैसे जो बना दे काफिर, वो सफर ही क्या जो भटके ना मुसाफिर, हम खाना बदोश कहां जाएं आखिर। डर नहीं है खतरों से, सर खोले पत्थरों से, खून लगे कपड़ों पे, दया बड़ी कपड़ों पे, दिल बड़े सपनों से लड़ पड़े अपनों से, आंखों देखा हाल मेरा, कलम बड़े सखम ने। आंखों देखा हाल मेरा, कलम भरे जख्मों ने, क्या बात है, क्या बात है। हकीकत से फिर भी अनजान है, अश्कों से बह जाए रेत का मकान। ये लाइन कितनी प्यारी है। जमाने से मैं बाकी क्यों मुनाफिक हूँ, मैं दाखी हूँ, मैं भूला अपना माजी हूँ, फिर हो ना मुझसे राजी तो मैं मुश्किलों का आदी हूँ, कह दूँ मैं तुझको काफी कुछ, ये दिल बयाबान है। नबील अकबर। आजकल रह दिल ये उदास मेरा, साथ चल मेरा दिल ये आवाज देरा, वैसे नाम मेरा लेते तो काफी हैं, चंद लोग दिल से पूछते जो हाल मेरा, बादल सर पे काली घटा जैसा, बिना दर्द जिंदगी का मजा कैसा, वैसे हम तो शुरू से ही बागी हैं, मैंने मौत को खुद अपना पता भेजा, लोकी मगर ढूंढ लेते फैंस अप, कैमरा निकाले फौरन जैसे बोले हैंड्स अप, पुलिस लगी पीछे लेके हैंडकफ, 420 पर लोग, वैसे हम तो शुरू से ही बागी हैं, मैंने मौत को खुद अपना पता भेजा, लोकी मगर ढूंढ लेते फैंस अप, कैमरा निकाले फौरन जैसे बोले हैंड्स अप, पुलिस लगी पीछे लेके हैंडकफ, 420 मगर लोग देते मैड लव, सब की उम्मीद के मैं कर दूंगा सेट सब, सोचता कभी के मैं छोड़ दूं क्या रैप, आई डोंट वांट टू लीव इन दिस हाउस, तुझे देखकर तेरे बिना जीने से मरना ही बेहतर, स्टार वाला नहीं। रैप की बात कर रहा है बंदा, ठीक है, लेकिन आखिरी की दो लाइन समझ नहीं आया, जैसे रैप से एकदम से बंदी के बारे में बात करने लगा, ऐसा लग रहा है जैसे। असली का रैपर फाड़ दूं मैं तुझ जैसा नकली का रैपर, प्यार मेरा आर्ट मेरे जाने के बाद भी करेंगे मुझे याद के मैं नस्ली था रैपर, मुझे हक देख करे खाली शिट टॉक, मेरा राइटर तेरा आता शिट ब्लॉक, मेरे गानों पे तेरी बेबी के टिक टॉक। क्या मुझसे हक देख करे शिट टॉक, मेरा राइटर तेरा आता शिट ब्लॉक, मुझे हक देख करे खाली शिट टॉक, मेरा राइटर तेरा आता शिट ब्लॉक, मेरे गानों मेरा राइटर तुझे आता शिट ब्लॉक, ओ मैन राइटर्स ब्लॉक, तेरी बेबी के टिकटॉक, मेरे बिना पूरा कैसे होता है इधर हिप हॉप, मेरा राज रहेगा बिना ताज के, मेरा आज बनेगा इतिहास, ये जान डाली गेम में गेम मेरी जान, तुझे भूख खाली फेम की, तू मान या ना मान, तेरी एक नी जबान ना कोई दीन ना ईमान, तो फिर तू कम नसल तो फिर तू बदगुमान, कितना कमा लेगा बन के बेईमान, एक दिन तूने भी देनी है रब को ही जान। सही बात, हकीकत से फिर भी अनजान है। नाइस, अच्छा बहुत प्यारी वाइब है। ओहो ओहो, उसके बाद उसके बाद तला यूनुस के लाइंस का साइज देख रहे हो। बह जाए रेत का मकान ये, जमाने से मैं बागी क्यों मुनाफिक हूँ, मैं दागी हूँ, मैं भूला अपना माजी हूँ, फिर हो ना मुझसे राजी तो मैं मुश्किलों का आदी हूँ, कह दूँ मैं तुझे काफी कुछ, ये दिल बयाबान है। यूनुस लिखे गाने बड़े मैं दीवानों से अपने ये कहता रहा, लिखते अफसाने बड़े मगर कागजों पे लहू बहता रहा, मेहमानों को सहता रहा घर मेरी खुशबू। एक सेकेंड, क्या मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो? क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? एक से सीधी बात करता हूँ ब्रो, ये डिलीवरी थोड़ी सी कैजुअल, मैन व्हाट डू यू कॉल, क्या थोड़ा मंबल वाइब, थोड़ा सा मंबल वाइब। देखो मंबल, अब गलत तरीके से मंबल ना लेना, ठीक है, मैं डिसरिस्पेक्टफुली मंबल नहीं बोल रहा हूँ, मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि डिलीवरी थोड़ा सा कैजुअल है ना, जो ये वाली लाइक मैं तला यूनुस को ऐसे नहीं सुना मैंने, तुमने सुना भाई तो सुना होगा, मैंने नहीं सुना, मुझे बहुत डिफरेंस यहाँ पर लग रहा है, एंड साउंडिंग गुड, इट्स नॉट बैड, लाइक गुड मैन, लाइक न्यू स्कूल वाला जो एक पूरा फील आता है वो आ रहा है ब्रो, नाइस। फिर तो थोड़ा सा लिखे गाने बड़े मैं दीवानों से अपने ये कहता रहा, लिखते अफसाने बड़े मगर कागजों पे लहू बहता रहा, मेहमानों को सहता रहा घर मेरी खुशबू से महका रहा, कहानियां सुन सुन में बहका रहा, जब असल में देखा तो कहका लगा, दिखावे की दुनिया से आजिज़ों को ट्राह, जैसे जो बरसे वो बादलों बैठे, उम्मीदों में गुस्से में आ गिरूं, जाने मुनाफिक मगर फिर भी दावत दूं, किससे गिला करूं, किसको बुरा कहूं, किसको मैं जाके ये किससे बया करूं, कहते हम दुश्मन तेरे मैं तो आ करूं, लफ्जों की कह दिए कैसे रिहा करूं। बहुत बढ़िया भाई, मैं पीछे करके फिर तो सुनना जा रहा हूँ, जिसको नहीं देखना है वीडियो छोड़ दो, ओके बाय, थैंक यू, मैं तो पीछे करके फिर तो सुनना जा रहा हूँ, पीछे पीछे सुनेंगे ये वर्स।
लिखे हैं गाने बड़े मैं दीवानों से अपने ये कहता रहा लिखते अफसाने बड़े मगर कागजों पे लोग कहता रहा मेहमानों को सहता रहा घर मेरी खुशबू से महका रहा कहानियां सुन सुन मैं बहका रहा जब असल में देखा तो कहका लगा दिखावे की दुनिया से आज तो गुटरा जैसे जो बरसे वो बादलों बैठे उम्मीदों में गुस्से में आ गिरूं जाने मुनाफिक मगर फिर भी दावत दूं किससे गिला करूं किसको बुरा कहूं किसको मैं जाके ये किससे बया करूं कहते हम दुश्मन तेरे मैं तो आ करूं लफ्जों की कहती है कैसे रिहा करूं कलाकार बने मेरे पर इंसान नहीं मुझे मालूम नहीं है कीमत अपने नाम की माल बहुत है पर करने ना दे छानबीन स्लम डॉग मिले माल बहुत है पर करने ना दे छानबीन इंसान नहीं मुझे मालूम नहीं है कीमत अपने नाम की माल बहुत है पर करने ना दे छानबीन स्लम डॉग मिलियनेयर बने मेरे गांधी सरकार मेरे यार पूछे हाल मेरा खोए सके यार नहीं मनाऊंगा मैं साल गिरा चुके देखा बाल मेरा आगे खुद ही गाल दे रहा देंगे वो मिसाल मेरी जैसे मैं मिसाल देता अंदाजे बया ये अलग इतना तस्वीरें बनाता रहा चाहे अपने भी मुखालिफ हों गाने तो गाता रहा मैं मिर्जा में गालिब भी जैसे इल्म में इजाफा रहा लड़ लेंगे बिना तलवारों के इन हाथों से वादा रहा हकीकत से फिर भी अनजान है प्यारा प्यारा गाना प्यारा गाना अश्कों से बह जाए रेत का मकान ये क्यों कर दिया मैंने मेरे भाई जमाने से मैं बाकी क्यों मुनाफिक हूँ मैं दागी हूँ मैं भला अपना माजी हूँ फिर हो ना मुझसे राजी तू मैं मुश्किलों का आदि हूँ कह दूँ मैं तुझको काफी कुछ पर दिल बयाबान है प्यारी आवाज ये किसकी आवाज थी ये जानी की आवाज थी क्या ये जानी की आवाज है आई थिंक आई एम नॉट वेरी श्योर एक सेकंड पता लगाते हैं पहला वर्स सुन लेते हैं समझ आ जाए रेत का बुला अपना माजी हूं पर मैं मीर का दर्द हूं मैं इकबाल का हां आई थिंक हुक जानी ने ही गाया है प्यारी आवाज थी बहुत सही गाने की वाइब इधर आ जाते हैं ना बहुत ही सही वाइब बनाई थी गाने की मुझे तला यूनुस बहुत ही फ्रेश साउंड करे क्योंकि मैंने ऐसी डिलीवरी शायद नहीं सुनी है जैसे जो केडेंस पकड़ा ऐसा शायद मैंने नहीं सुना तला यूनुस की तरफ से और ये मुझे बहुत ही सही लगा लाइक कम ऑन ना नाइस बढ़िया एक्सपेरिमेंट और बहुत अच्छा साउंड भी कर रहा था बिल्कुल मक्खन की तरह फ्लो कर रहे थे गानों में मत मैं सही होता हूँ यार आना नहीं के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते आना नहीं गाना मेरे को बहुत ही लाजवाब लगा मतलब रिएक्शन वीडियो के बाद भी वो गाना मैंने कितनी बार सुना मैं तुमको बता नहीं सकता सबका पार्ट बहुत अच्छा था ये गाना भी बहुत सही लगा मेरे को देखो यार ये गाने वो गाने नहीं होते जिनको मैं रिएक्शन वीडियोस में इनके वैल्यू लाइक मेरे को समझ आएगी ये गाने जब आप बाद में सुनते हो ना आप बार बार सुनते हो ना तो जब आपको नई नई फीलिंग्स आती हैं ऐसे गाने सुन के तब आप रियलाइज़ करते हो कि गाने की कितनी इंपॉर्टेंस है और ज़्यादातर मैं बताऊँ भाई ऐसी होता है रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन ठीक है इट्स नॉट माई ओपिनियन अबाउट द सॉन्ग ओपिनियन तब बनता है जब उस गाने को बहुत बार सुन लिया जाए लेकिन अगर ऐसे बात करी जाए पहले देखने दो इसका बीट प्रोड्यूसर कौन है प्रोड्यूस बाय सुपर डुपर सुल्तान आप लोगों ने ही मेरे को बताया था कि लगा रह के वीडियो में जो ड्रेडलॉक्स थे जिनको मैंने यंग जे कोल वाइब बोला था वो थे सुपर डुपर सुल्तान और आप लोगों ने मुझे बताया था कि बहुत ही सही बीट बनाते हैं और बीट बहुत अच्छी थी लाइक ये जो पूरा एक क्रू है ठीक है मतलब जितने भी मैं देख रहा हूँ उमैर जानी है ना और भी आना नहीं में भी जो थे आना नहीं मैं तो उमैर है ना भाई ये बड़ा टैलेंटेड एक क्रू है राइट चाहे बीट प्रोड्यूसर हो चाहे राइटर हो ये सब लोग मतलब बहुत ही तगड़ा काम कर रहे हैं बहुत ही तगड़ा बढ़िया चीज़ बढ़िया गाना बहुत सही गाना ठीक है बार बार सुनने वाला गाना समझने वाला गाना फील लेने वाला वाइब लेने वाला गाना ठीक है मुझे एक चीज़ मुझे ज़रा देखने दो मुझे नबील अकबर का ये चीज़ सही लगे कि जो पहले दो वर्स हैं उसमें वो फिर भी थोड़े फिलोसफिकल लिख रहे थे लेकिन जो थर्ड वर्स जैसे इनका आया था लोकी मार ढूंढ लेते फैंस ऑफ है ना वो वहाँ से एकदम से स्ट्रीट टॉक वाली बातें शुरू हो गई ठीक है 420 मुझे लोग दे रहे हैं मैटर भाई टाइपोज हैं यहाँ पर प्लीज़ देखो यार है ना टाइपो है ना बादल सर पे काली हटा जैसा लिखा उसको घटा कर दो मेरे भाई एक बार टाइपोस हटा दो यार प्लीज़ भाई अच्छा नहीं लगता यार ठीक है सब पढ़ रहे हैं ठीक है मैं भाई की तरह बता रहा हूँ सो बेसिकली मुझे नबील अकबर ने जो सडनली स्विच मारा था ना मेरा थर्ड वर्स में मुझे वो सडन मेरे ओके फिलोसफिकल से एकदम से स्ट्रीट टॉक वाली बातें आ गई बाकी तलहा यूनुस का तो भाई पूरा पार्ट मेरे को तो लाइक जो स्टार्टिंग थी जिसमें लंबी लंबी लाइनें लगी हैं वो तो मेरे को बहुत ही सही लगी थी एंड हुक भी बहुत प्यारा था जो हुक में जानी की लाइन थी ना कि आंखों से बह जाए यूं मेरा रेत का मकान है ये है ना ये लाइन बहुत प्यारी थी ये हुक में वो लाइन है जो आपको सडनली हिट करती है और इसके बाद से जो उनका मेलोडी बनाए जमाने से ना बोले तो वो जो तीन लाइनें साथ में मेलोडियसली डिलीवर करी थी वो भी बहुत प्यारी थी हुक प्यारा बनाया ओवरऑल गाना मस्त अब मैं इससे ज्यादा क्या बोलूंगा भाई गाना अच्छा सिंपल सी बात
मैं क्या कुछ स्पेशल कुछ बोल दूंगा क्या गाने के बाद, गाना अपने में स्पेशल है, ठीक है, जनता को अच्छा लग रहा है, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा रिएक्शन, अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 1.5 लाख करवा दो, रिक्वेस्ट है भाई की, ठीक है। अगर मेरे वीडियोस देखते हो तो एक बार चेक कर लो चैनल सब्सक्राइब है कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि चैनल सब्सक्राइब कर लिया लेकिन नहीं करा होता। प्लीज सपोर्ट करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आईडी का नाम है @thefakeyouknow। सेकंड चैनल का वीडियो का लिंक तुम्हें टॉप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, मतलब डेस्परेट तरीके से उसको डाला है हमने डिस्क्रिप्शन में, एक बार वीडियो देखो, अगर वो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सेकंड चैनल को भी सपोर्ट करना। एंड आफ्टर मैन थैंक यू। तो भाई बहनों इस वीडियो पसंद नहीं, मैं अपना अगला वीडियो लेके जल्दी वापस आऊंगा, टिल देन यार म्यूजिक सुनते सुनाते रहिए, अपने गानों को सबसे संगीत से बचा कर रखिए, म्यूजिक सुनाओ म्यूजिक बचाओ को फॉलो करिए।